अगली खबर भी छतरपुर से है। थाने पर हुए पथराव के बाद जिस तरह से सरकारी बुलडोजर ने आरोपियों की कोठी तोड़ दी है, इस कार्रवाई के विरोध में शनिवार को कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और सरकार कानून का उल्लंघन कर सीधे तौर पर आरोपियों को सजा दे रही है, जिससे पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल है। इधर छिंदवाड़ा के बेकदोर में दुष्कर्म के आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आरोपी मोहम्मद नफीस पर दुष्कर्म करने का आरोप है। हालांकि घटना कुछ समय पुरानी है और दुष्कर्म का आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है। प्रशासन का ये मानना है कि आरोपी ने मकान शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया था, जिसे आज तोड़ा जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, जहां छतरपुर में बुलडोजर वाला एक्शन हुआ, जिसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। एक और ताजा मामला जिसमें दुष्कर्म के आरोपी के घर पर भी बुलडोजर वाली कार्रवाई। तो मध्यप्रदेश में बुलडोजर इस वक्त रफ्तार में है और लगातार आरोपियों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। जरूर कानून को अपना काम करना चाहिए, पर न्यायपालिका संविधान उसकी भी तो पालना करनी चाहिए। ऑडियो ही नहीं आ रहा उसका। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दहशत बनाकर कर्मचारी अधिकारी बीजेपी के एजेंडे पे काम करना चाहते हैं, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको अगर वो अपनी आदत सुधारे तो ठीक, अन्यथा मानव अधिकार आयोग में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाएंगे कि आखिर सर्विस का भी पालना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आखिर इस तरह की दहशत बनाकर कैसे अच्छी सरकार या अच्छा प्रशासन चल सकता है।